धन धन बाबा साधु शाह जी जिन्हां दी याद दे विच हर साल आपां रल मिल के मेला मनाउने हैं और लखां हजारां दी तादाद दे विच श्रद्धालु आके बाबा जी दे दर ते नतमस्तक हुंदे ने क्योंकि बाबा जी कृपा करदे ने सब दियां मुरादां पूरियां करदे ने। सो धन धन बाबा साधु शाह जी दे इस पावन पवित्र मेले दियां तुहानू सब नूं लख लख बार मुबारकां ते मैं बाबा जी दे चरणां दे विच इहो अरदास करदा कि तुहाडियां सब दियां मुरादां शुभकामनावां दे रूप दे विच पूरियां होण और बड़े ही वधिया तरीके दे नाल रल मिल के नगर निवासियों के सहयोग के नाल ग्राम पंचायत के सहयोग के नाल बाबा साधु शाह क्लब और इलाका निवासियों के प्यार के नाल आप हर वारी मिल के कुछ ना कुछ नवा करते हैं। ये बाबा जी का आशीर्वाद है। पहले दिन बाबा जी ने कृपा की अखां की जांच का मुफ्त कैंप लगाया, कैंसर की जांच का मुफ्त कैंप लगाया गया, इस दे नाल काले पीलिए की जांच बिल्कुल मुक्त की गई और खूनदान कैंप कल लगाया गया। सो रल मिल के बहुत वधिया कार्ज इस गल दे लई सारी टीम वधाई दी पात्र है जिहड़े लोगों के मनोरंजन के नाल नाल लोगों की सेहत नूं सुधारन दे लई लोगों की सेहत वधिया रखण दे लई भी उपराले कर रही है और नाल ही बहुत सारिया खेडां दे विच साडे नवें बच्चे जिन्होंने कल नूं देश दे लई तगमे जितने ने उन्हां बच्चों नूं मौके देने दे वास्ते खूबसूरत टूरनामेंटां दा आयोजन किया गया ते अज तुहाडे मनोरंजन दे लई तुहाडी सभ्याचारक भुख नूं पूरी करन दे लई उस दी पूर्ति करन दे लई अज दा सभ्याचारक मेला रचाया जा रहा है। मैं उन्हें परिवारिक गीतों के नाल सभ्याचारक गीतों के नाल तुहाडियां जोरदार ताड़ी दे विच सद्दा देण लगे तुहाडी आवाज मेरी मुराद हरभजन मान जी गुरुआं महात्मा ने हुंदा अस्थान योग पूजने मरीदां दा जिथे तप कीता पीरां गुरुआं महात्मा ने हुंदा अस्थान योग पूजने मरीदां दा ज्यौंदिआं बेशक होण चम दे चलाए सिक्के रिहा ना निशान बाकी पांबरां पलीदां दा। धन धन बाबा साधु शाह जी दे इस सालाना मेले दे विच हाजरी भर रहे दूरों नेड़ों आए हुए मेरे सारे वीर बुजुर्ग मातावां भैणां छोटे बच्चे और सारी तमाम प्रबंधक कमेटी मैं सब तो पहला तुहाडा सब दा शुक्रिया अदा करदा जी और तुहानू सब नू निक्की जीआं नू आखदा खुश आमदीद। तुसी अज उस महान महापुरशां नू शरदा दे फुल भेट करन आए हो ते तुहाडी इत्थे जो रीति चली आउंदी है बहुत लंबे समय तो अलग अलग कलाकार आ के सभ्याचारक मेले दे विच तुहाडा मनोरंजन करदे ने ते पंजाब दा हर तकरीबन उच्च कोटी दा कलाकार
इत्थे हाजरी भर चुके आ ते इस वार मालक दी मेहर सबब बनिया क्योंकि सारी गल सबब ते खड़ी है जी। सब गल सबब दी आ, कदों किहड़ी जगह कित्थे कद मुलाकात होनी है वो मालक दे हत्थ है जी। तो अज सबब बनिया इस वरे मैं हाजरी भरना आ, तो मैं अपने वालों हर संभव कोशिश करांगा कि खूबसूरत सभ्याचारक परिवारक गीतां दे नाल मैं तुहाडा मनोरंजन करा, मिठियां निकलियां प्यारियां यादां इत्थे छड़ के जावां और तुहाडा आशीर्वाद तुहाडी मुहब्बत तुहाडियां दुआवां आसीसां मैं अपने नाल लेके जावां। ये पिंड वैसे भी मेरे लिए बहुत अहमियत रखता क्योंकि इस पिंड दे विच मेरी बहुत खासो खास मेरी रिश्तेदारी है जी और इस पिंड की बहुत वड्डी कलम जिन्हें पूरे हिंदुस्तान दे विच पंजाब दा नाम चमकाया धर्म कमियाणा साहब उन्हां दा भी ये पिंड और मेरी रिश्तेदारी ये है जी। जट्टां दी इहदू नेड़ली कोई रिश्तेदारी नहीं हुंदी, मेरा साडू इस पिंड दा जी। मेरे एक एक वड्डी साड़ी रमन हुरी इत्थे ब्याह होए आ, गुरबिंदर गिल हुरी ते सरदार योग सत्कार योग मासड़ जी सरदार सरदारा सिंह गिल हुरी सारे कैनेडा बहुत चिरां दे वास्ते ने, पर फिर भी एक अलग खिच हुंदी है, मोह हुंदी है, मोह हुंदा आपदे रिश्तेदारां दा। ते वैसे भी कमियाणा जद मैनूं 92 ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜੀ 1992-93 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕਈ। ਅਤੇ ਕੰਮਿਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਖੇਮੂ ਆਣਾ ਕੰਮਿਆਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ। ਸੋ मैनू इदां लगदा मैं अपने पिंड आया अपने विच आया, बहुत तुहाडी मेहरबानी तुसीं मैनू याद कीता, मेरी हाजरी और भाई जस्सी साडा कलाकारां दा यार भरा साडा वीर उह वी पहुंचे ने, उहनां नूं वी निक्की जी ऐ नूं अज सबब देखो कि मैं सुबह 7 बजे ग्रीस तों आया जी, सवेरे 7 बजे फ्लाइट उतरी ते तुहानू देख के तुहाडा प्यार तुहाडा कठ देख के इन्नी गर्मी विच किवें तुसीं बैठे हो सौ लगे मेरी सारी थकावट लै गई है जी। जुग जुग जिउंदे रहो, जुग जुग जीवो, तुसीं इन्नी गर्मी दे विच इन्ना कलाकारां नूं प्यार करदे हो बैठे हो ते मेरे वल्लों दिलों दिल दीआं गहराइआं जो तुहानूं सभ नूं निक्की जी आ। सो प्रोग्राम दा आगाज़ करां, प्रोग्राम दी शुरुआत करां। साडे घरां दे विच अक्सर इह परिवारां दे संस्कार ने, बजुर्ग मेरे पिता समान बैठे कि किसी काम की शुरुआत करिए सब तो पहला वो परमात्मा का नाम ले लेना चाहिए जी, मालक का नाम लईए जिसने स्वास दिते है जिंदगी दी है सारा खेल अखाड़ा रचा मालक ने, उस दाते का नाम लईए। नित नित कठिया नहीं होना रूहां ने, नित नित कठिया नहीं होना रूहां ने, गति का आंदा वहम नहीं बंदे मिल पैण मिलना नहीं खूहां ने, बस दे जहान च ते भर दे मिठास शायरां दी जुबान च। सो मालक दा नाम लईए जी, प्रोग्राम दी शुरुआत करा, उस तो बाद जो रूटीन विच नवे पुराने मेरे गीत जो सुनते हो मैं थोड़ी नज़र करता रहांगा जी। सो एक बार फिर बहुत धन्यवाद सब नूं मेरे वल्लों निक्की जी आयां जी। मैं होर सुनावा कैनू
ते मैं जियां लख ते फोल न कागज बदिया वाले दाता दर तो तक न मैं विच ऐब गुनाह ना होंदे ते फिर तू बख्शे जी होवे परमात्मा ते दुश्मन दा भी भला तले गवांडी तो सदा जी को दूर बला ते रखी मरदिया तक तू रखी मरदिया तक तू ए सब दी उजली पत तेरे पाने शहनशाह जिए सुखी वसे सरबत अंबरों पार शुद्ध दीते पर से जनता है ए धरती सोना युगले ते मोती वंडन खे जगत भिखारी खड़ा है तू खैर मेहर दी गत तेरे पाने शहनशाह जिए सुखी वसे सरबत तेरे पाने दातिया जिए सुखी वसे सरबत
तेनू ये भुलेखा नहीं। हर बंदा ये भुलेखे च तुरै फिरदा मायना होया ते दुनिया संसार इत्थे ही खड़ जाना है, कम कार इत्थे ही खड़ जाने है। इत्थे सिकंदर अर्गे होके तुर गए, पीर औल गए, सब तुर गए, दुनिया च कुछ नहीं रुकता। जिहदा जिन्ना क मोह आ किसे नाल मुहब्बत आ, जिन्नी क खिच आ उन्ना क रो धो लैंदा, बस दो चार दिन बाद फिर सब उस कमां कारां विच लग जांदे। बंदे नूं भुलेखिआं च नहीं रहना चाहीदा। मान कहे जे मैं ना होया पता नहीं की होना, कुछ नहीं होना लै देखे बस चार दिन का रोना। ओए कुछ नहीं होना लै देखे बस चार दिन का रोना। पलक झपकदे रल जाने ने, पलक झपकदे रल जाने ने, विच हवा दे साजी पता नहीं रब केड़िया रंगा बिच राजी, पता नहीं रब केड़िया रंगा बिच राजी, केड़िया रंगा बिच राजी, पता नहीं रब केड़िया रंगा बिच राजी, हां केड़िया रंगा बिच राजी, पता नहीं रब केड़िया रंगा बिच राजी, केड़िया रंगा बिच राजी, पता नहीं रब केड़िया रंगा बिच राजी। ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਤਾੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਜ਼ੂਰ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਾਰ ਸਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਪਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸਾਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਰਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਲਮ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿੰਦੜਗੇ ਗਾਣਾ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਤਿੰਨ ਆਈ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਮਰਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਊ। 1993 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁੱਲੇ ਹੁਲਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੀ ਗਾਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੋਲੀ ਦੇ ਤੁਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਨਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਮਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਕਲੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਲੜ ਉਮਰ ਇਆਣੀ ਬੈਠੀ ਵਿਹੜੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਹੋਏ, ਨੀਵੀ ਧੌਣ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢਦੀ ਕੁੜੀ ਗਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਰੋਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਸਰੋਤੇ ਹੈ ਹੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੋ ਅੱਲੜ ਉਮਰ ਆਣੀ ਬੈਠੀ ਵੇੜੇ ਬਾਬਲ ਦੇ, ਅੱਲੜ ਉਮਰ ਆਣੀ ਬੈਠੀ ਵੇੜੇ ਬਾਬਲ ਦੇ, ਨੀਵੀਂ ਧੌਣ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢਦੀ ਕੁੜੀ ਕੁਵਾਰੀ, ਜਾਗੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਾਂ ਗੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
बल खाना सीखे डाका ने जी तो मिर्ग बिचारे मंगते तो उदारी सौण महीने तेरी पी गोलारे लेती है मैं सदके तिया दे बिच तेरी कुड़िया ते सरदारी मस्तानी गल विचानी तैनू दुनिया नालो चली जवानी न्यारी तेरे नैणा दे विच तरदा सुपना सजना दा मैं सदके पारे वांग पिघल गई तू सारी दी सारी जुग जुग जियो आ सोने वे जाके ज्योंदियां दे मेले जिंदगी तो लम्मे तेरे झगड़े च मेले हर रोज दे कम कार पर जिंदगी ज्योंदे जी ना कदे किसे दे मुक्या ते ना मुकने कम नहीं मुकदे ते जदों मुकदा उदों बंदा मुकदा कम नहीं मुकदे पार साहब ने बाक माल लिखिया सी कदे कवीशरी के बैठ कदे कीती ना विचार मना गाफला ओए सिवियां दे ताई पहुंच गया पहला काफला औ काल भगवान ताई सकिया कोई थम ना ए चलिया शरीर मुक मुके तेरे कम जदों बंदे दा टाइम आउंदा फिर डॉक्टर वैद ते हकीम बैठे रहणगे डॉक्टर वैद ते हकीम बैठे रहणगे ओए चल दी ना पेश कोई तीनों जाने कहणगे हटेगी औलाद बैठी रोणो छम छम ना चलिया शरीर मुक मुके तेरे कम ना ओए वैलिया कमाई सारी नालों नाल चट्टी गया ते ज्यों ज्यों पैसे आई गए होर खुड्डा पट्टी गया ज्यों ज्यों आउंदे फिर बंदा कहिंदा इक किला होर लै लगे नाल लगदा बाहरले जवाकां नूं नहीं टिकण दिंदे कहणगे पुत थोड़े जे होर भेज दे नाल आला लै लईए इह नहीं पता वी ओह बेचारा भी भी घंटे ट्रकां ते ही रहिंदा लम्मियां रूटां ते ही जाऊंदा नवा होर प्लाट ले लगे नाल लगदा बैलिया कमाई सारी नालों नाल चट्टी गया ते ज्यों ज्यों पैसे आई गए होर खुड्डा पट्टी गया दो त्यां ते पोत्यां दा मुकिया गुलाम ना चलिया शरीर मुक मुके तेरे कम ना ओए कहे करनैल रणजीता विच जग दे इदू वध चढ़ चढ़ मेले रहने लग दे मेला अगले वरे भी लगू समा स्थान वास्तु बदल जाते हैं अगले बरा मेला लगू शायद उधर माड़ा मोटा मीह कणी हो सकती है इदू बाद गर्मी हो सकती है तुसी विचों पांच दस सौ शायद ना होवां मेले दे विच ना पहुँच पाऊँ गाउण वाला कोई होर हो सो समा गया वो मुड़ के नहीं आउंदा कहे करनैल रणजीता विच जग दे ओ इदू बाद चढ़ चढ़ मेले रहने लग दे पर एक दिन होना इत्थे तुम और हम ना चलिया शरीर मुक मुके तेरे कम ना सो सजनों कम नहीं मुकणे बंदा मुकदा ते मेलिया नू खूबसूरत बनाया करो ये मेले जड़े सजना मित्रां दे मेले आ भैन भरावां दे मेले आ रिश्तेदारां दे मेले आ उन्हां लई वक्त कढ़िया करो
छड़ दे मोबाइलों का खेड़ा, सौण वेले भी नहीं ये छड़ दे, उठन वेले भी नहीं ये छड़ दे। सवेरे उठ के 5 मिनट जरूर कृपा करया करो, मालक को अरदास करया करो भी रब्बा सानू सेहत दई, तंदुरुस्ती दई, होर कुछ ना मंगया करो, ये है तो सब कुछ है, है जी। सो ये ज्यौदिया के मेले आ, मेहनत भी जरूरी है, कामकार भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर यह भी गाना पैना भी आ सोने हुए जग ज्यौदिया के मेले तो कहदे सोने भुखे नंगिया के मेले। मेला भी उदा ही चंगा लगता जो दवानी जेब च हो, नहीं ये भी नहीं चंगे लगते। बंदा ही घर वाले चंगा नहीं लगता जो जेब च कुछ हो ना बंदे दे। ते माड़ा मोटा गुस्सा ना करो, सब तो जरूरी है जोड़ा वो टाइम माड़ा मोटा घर वालियां भी कटिया करो, है जी। घर च शांति है तो फिर सब ठीक है जी। सो आ सोने वे जग ज्यौदियां दे मेले, मेरी एक फिल्म सी जग ज्यौदियां दे मेले, उहदा फिल्म दा एक डायलॉग सी, मित्रों कहिंदी है, मित्रों तो याद होनी है थोनू, मैनू ही भुलदे हो, मित्रों नू कदों भुलदे हो। मित्रों कहिंदी है ये जग दा ज्यौदियां दे मेले आ सरदारा, वे दरगाही जाके कौन मिलता, कोई ज्ञान मिलिया मुड़ के, मेले इत्थे ही है जी। सो आ सोने वे जग ज्यौदियां दे मेले, वे जिंदगी तो लंबे तेरे झगड़े च मेले, ज्यौदियां दे मेले। थोनू गर्मी मैनू महसूस होंदी है, काश मैं भी धुप्पे खड़ के गावां, मैनू इन्ना तुहाडा मोह आउंदा भी इन्नी गर्मी च बैठे हो यार, क्या बात है। एक बारी जोरदार ताड़ी अपने आप दे, वाह वाह। आके ते इस दुनिया दे विच पिया जान अपनी नूं रोवे, हाथ पसारिया तेनू कुछ नहीं मिलना, ते कानू अन्या वांग रटोवे, किसे दा मर जे तेनू लख लख खुशियां, पर सजना दुश्मन मरे ता खुशी ना करगे, सजना भी मर जाना, दुश्मन मरे ता खुशी ना करिए ते सजना भी मर जाना। ओ शामा ते दिल होया मुहम्मद, ए ओड़क नू डुब सो। किसे दा मर जे तेनू लख लख खुशियां, तेरा मरे ते तू रोवे, मंजूर करी ना कल दा वादा, ते खौरे कल नू तू ना होवे।
बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया थोड़ा। गल ये भी
नचना टपना ही जिंदगी है जी। हसना बंदे नू दुख सुख देखो हर बंदे दी जिंदगी दा हिस्सा जी। ये लगता ही हुंदा कहिंदा नहीं वड्डिया घरां दीआं वड्डियां मिर्चां लगदीआं हुंदीआं जी। हर बंदे नू समस्यावां ने, हर बंदा जे खुश है तां दुखी भी है कितना कितों। पूर्ण संपूर्ण रब ने कोई इंसान नहीं किया जी। सो थोड़ा जिंदगी माननी चाहिए है, जिंदगी भोगनी नहीं चाहिए जी, है ना, खुश रहना चाहिए। सो तुहाडी फरमाइश है मुंडिया नू ये गाना सुन दा चाह हुंदा भी ये गीत सुना दिओ ते हाँ जी। ये मेरा कसूर नहीं जी, मैं तो आपके वालों धुक्की कटी आना जी, मगर आवाज नहीं जाती और ना सामने बैठे उन्होंने फड़ो जाके मैं तो कोई कसर नहीं छड़ रहा ना जी। तो फिर जी मगर आवाज नहीं जाती तुसी बचाओ जी, वो कहते घट कर दो कौन कहता जी, बोल कौन रहा पहला तो यह दसो, ये कहते घट कर दो फिर उन्हें कोई पिछे जाके बह जा पिछले मूहरे आ जा अदला बदली कर लो। कोई ना यार माड़े मोटे औखे सौखे हो लो, नित नित आप कट्ठे होना सबब बनया। मैनू 26 वरे हो गए इतने पंजाब च आके गाँव में चिठिए नहीं चिठिए, 26 वरिया बाद मैं अज याद किया, अज हो लो थोड़े जे औखे यार, मैं भी सच्ची औखा होके आया ही हाँ। सौ लगे सारी रात नहीं सुता, फ्लाइट पहला शूटिंग खत्म हुई सुबह 2:30 बजे तो 6:50 मेरी फ्लाइट से, पर थोनू देख के नशा चढ़ जाता सर के थकावटा भुल जाती है। तो माड़ा मोटा तुम जिन्हों आवाज ज़्यादा सुन दौ माड़ा जहा कान एक दबलिया करूँगा। कुड़ती लाल बीबिया ने अपने अज सूट भी सब तो टप टाप दे पाए होंगे, टौर कटी होनी है पूरी, है ना। हुणे व्याहवां दा सीजन लंघ के गया जी, बहुत मेरी गौर नाल गल सुनियो, औरत दा ते बंदे दा फर्क की हुंदा जी। व्याहवां दा सीजन लंघ के गया ते मेरा ख्याल है भी हर टब्बर नूं 10-15 व्याह तां आ ही जांदे इक सीजन तकरीबन, ते बंदा पूरे व्याह जिहड़ा सीजन आ उह इक अद्धे कोट पेंट नाल कढ दिंदा, कितने कोई शर्ट बदल ली, कितने कोई टाई बदल ली, जड़े कुर्ता पजामा पा के खुश हो माड़ी मोटी ना उपरों जाकट बदल लेंगे या पग बदल ली। तो जाक बुढ़िया 2-3 सूटों नाल सारे विआह लंघा दे, लंघाया कि उपरों आ फेसबुक ने पंगे पाते कहणगियां फलानी नूं फट पता लग जाना गा मैं फलाने विआह ते मंगने ते आ पाया सी सूट, मैं हुणे उह फिर किवें पा सकदी आ। साडे घर भी यही पुआड़े है जी, सूटां दे सूट जिहड़े सूट केस सूटां दे भरे आउंदे आ, सूटां केस मेरे तां 2-4 कपड़े हुंदे आ विच। ते बीबियां जिथे बैठियां हुण इत्थे भी ये हो ही नहीं सकदा भी अज भी इन्हां ने सूटां दी गल एक दूजे नाल ना कीती होवे जां ना करनगियां भी फलानी ने आ पाया सी उहने आ पाया सी, ये हो नहीं सकदा। तो इदां ही तरां कोई कहिंदे संत महात्मा सी उहनां दी साढ़े लिए लेके आए, लाया तो पिछलियां लईआं असीं तां पुछिआ कहता सानू इदां ही कहिंदे कोई संत महात्मा लगे हुए सी अपना प्रचार कर रहे सी। अजकल एक तां बाबे भी बहुत आ जी सुख नाल, सानू कई कह देणगे जी कि गाउण वाले अजकल बहुत हो गए, मैं क्या घट कि चीज़ है जी वह दस दौ, जो गाने वाले बहुत हो गए तो घट है जी चीज़ वह दस दौ। अखबारां घट आ, TV घट आ जी, रेडियो घट आ, दुकाना घट आ, बसा घट आ, मोबाइल घट आ, कि चीज़ घट आ, बाबे घट आ। तो इदा ही कहते हुण बीबियां बैठिया ते बाबे ने कहा भाई बीबी वो पिछे पिछे मेरे बोलो, जो मैं बोलूं तुसी बोलो थोड़ा जन्म सफला हो। हुण बाबे ने शुरू किया अपना कहिंदे भी
जी मैं चिमटा चौक तो तारिया जी मैं चिमटा चौक तो तारिया चिमटा चौक तो तारे जी मैं चिमटा चौक तो तारिया बोलो बीबियो हम गल्लां कर दिया बीबियां की गाँव दिया जी मैं चिमटा बोक दे मारिया जी मैं चिमटा बोक दे मारिया चिमटा बोक दे मारिया जी मैं चिमटा बोक दे मारिया बाबे ने अगली लाइन शुरू की थी के संत समा देंगे टहरा लीन दी बाबे ने लाइन शुरू की थी भई संत सिखा देंगे नाम जपण दी जुगती नी संत सिखा देंगे नाम जपण दी जुगती नी संत सिखा देंगे नाम जपण दी जुगती नी संत सिखा देंगे हुण गल्लां करदियां बीबियां गा रही जी ते की गा रही होणगियां नी संत समा देंगे टैरा लीन दी कुड़ती नी संत समा देंगे टैरा लीन दी कुड़ती नी संत समा देंगे टैरा लीन दी कुड़ती नी संत समा देंगे सो जिथे भी बैठिया हुण बीबियां नू कुड़तियां दे सुपने आउंदे आ जी ते मुंडियां नू भिजगी कुड़ती नाल गाने दे सुपने आउंदे आ अजकल बाबियां दे केस भी बड़े चल रहे आ जी ते हुण गां साडी गाउण वालियां दी वारी है जी मैं पिछे जे मैनू पढ़िया मैं उदों बाहर शो करन गया सी खबर पढ़ी भी हुण जिलियां दे पुलिस मुखी जिहड़े उह कलाकारां नाल मीटिंगां करनगे जी मैं कहा यार कैसी समां आ गया कि कलाकार तां लोक गायक हुंदे मतलब लोकां दे गायक हुंदे सी ते लोक गीत गाउंदे सी ते हुण पुलिस वालियां नूं समझाउणा पैंदा वी नहीं इस तरह दे गाने तुसीं नहीं गाउणे सो मालक कलाकारां नूं मत देवे जी सुमत देवे सो ताड़ी फरमायश आ गिद्धा भंगड़ा जिंदगी है हसना खेडना जिंदगी है जी हसद्या के घर वसते माना तू हस के वक्त गुजार पता नहीं की होना कल सुबह नूं यार पता नहीं की होना आ जाओ जी मंडी साहब साड़ा बहुत प्यारा वीर है जी नवदीप सिंह मंडी साहब और बड़ी वधिया आवाज़ का मालक है कवीशरी बहुत खूबसूरत तुहानू जग जंक्शन रेलों का भी सुनाउणे आ कवीशरी भी जिहड़े पंजाबी दी असल गायकी है पुराने रंग है जिहड़े वह भी तुहाडी नज़र जरूर करदा पहलां मुंडियां नूं खुश कर लगे फिर बाबियां नूं खुश करांगे जी कमाल कलाकार गायक भी ते लिखारी भी सानू छड़ के चलिया गया मलके पिंड नाल ही है जी राज बराड़ होरां दा गीत लिखिया होया राज बराड़ साडे विचकार नहीं मैं चाहांगा एक बारी जोरदार ताड़ी उहदे नां दी राज बराड़ नूं मालक अपने चरणां विच निवास देवे तू चितगी नी किता हार गया तेरा नखरा नी कहर गुजार गया नी कुत खुल के गल विच पै गए तेरे वाल कुड़े तेरी पिचगी कुड़ती लाल पसीने नाल कुड़े आए तेरी पिचगी कुड़ती
ਦੱਸਦਾ ਏ ਤੂੰ ਘੁੰਮਦੀ ਵਾਂਗ ਪਮੀਰੀ ਨੀ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਹਾਸੇ ਹੱਸਦਾ ਏ ਤੂੰ ਘੁੰਮਦੀ ਵਾਂਗ ਪਮੀਰੀ ਨੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੌਂਕੇ ਭਲੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੌਂਕੇ ਭਰਦਾ ਏ ਜਦ ਹੋਵੇਂ ਦੂਰੀ ਪੀਰੀ ਨੀ ਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਚੁੰਨੀ ਨੀ ਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਚੁੰਨੀ ਜ਼ਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕੁੜੇ ਤੇਰੀ ਭਿੱਜ ਗਈ ਕੁੜਤੀ ਲਾਲ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕੁੜੇ ਤੇਰੀ ਭਿੱਜ ਗਈ ਕੁੜਤੀ ਲਾਲ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕੁੜੇ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਜਿੱਦ ਨਾਉਂਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਹਾਣ ਤੇ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਹਾਣ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹਾਲ ਕੁੜੇ ਤੇਰੀ ਭਿੱਜ ਗਈ ਕੁੜਤੀ ਲਾਲ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕੁੜੇ ਹਾਏ ਤੇਰੀ ਭਿੱਜ ਗਈ ਕੁੜਤੀ ਲਾਲ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕੁੜੇ ਮਲਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਫਲਦੀ ਏ ਜੀ ਕਰੇ ਪਤੰਗਾ ਜੀ ਕਰੇ ਪਤੰਗਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਮਾ ਹੁਸਨ ਦੀ ਫਲਦੀ ਏ ਕਲਪਾ ਦੇ ਕਲਪਾ ਦੇ ਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦਾ ਕਲਪਾ ਦੇ ਕਲਪਾ ਦੇ ਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦਾ ਏ ਜਾਲ ਕੁੜੇ ਤੇਰੀ ਭਿੱਜ ਗਈ ਕੁੜਤੀ ਲਾਲ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕੁੜੇ ਹਾਏ ਤੇਰੀ ਭਿੱਜ ਗਈ ਕੁੜਤੀ ਲਾਲ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕੁੜੇ ਤੇਰੀ ਭਿੱਜ ਗਈ ਕੁੜਤੀ ਲਾਲ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕੁੜੇ ਹਾਏ ਤੇਰੀ ਭਿੱਜ ਗਈ ਕੁੜਤੀ ਲਾਲ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕੁੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਮੇਰੀ ਗਾਇਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਖੇਮੂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਜਣੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਕਵੀਸ਼ਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਕਰਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਮੰਡੀ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਕੁੜਮਾਂ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਬੇਰੀ ਤੋੜਨ ਲਾ ਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਸੋ ਜੱਗ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਆਵੇ ਇੱਕ ਜਾਵੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਆ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਮੈਂ ਔਰ ਨਵਦੀਪ ਪੁਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਟ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਨਗਮੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ DSP ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਆ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ SHO ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿੰਦੜੀਏ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਦੜੀਏ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ DSP ਸਾਹਿਬ SHO ਸਾਹਿਬ
इंस्पैक्टर साहब सब नूं जी आया मान साहब तुहाडे रूबरू डीएसपी साहब नूं बाकी तमाम अफसर साहबान जो एडमिनिस्ट्रेशन तो इत्थे आए ने और सारे मेरे सत्कारयोग पुलिस मुलाजम सारे तुसी बड़ा अच्छा डिसिप्लिन और बाकमाल इन्ना कठ मैं तुहानूं सब नूं धन्नवाद कहना जी और जीआं नूं आखदा भाई होरां दी फरमाइश है जिंदड़ी है वह भी जरूर सुना दिना जी कुछ ठहर जिंदड़ी है ठहर अजे मैं होर बड़ा कुछ करना उस तो पहला दो बोल बस जग जंक्शन रेलों का गड्डी एक आवे एक जावे कहिंदे मैं विच विच ध्यान रखदा काफ़ी मेरे जिहड़े बजुर्ग पिता समान बैठे जिन्होंने पंजाब की असली गायकी दे दौर दे रंग माणे पार साहब कहिंदे असी 1952-53 की गल आ तकरीबन कहिंदे असी राजस्थान खाड़ा लाउण चले मैं रणजीत सिंह सिद्धमाला ते चंद सिंह जंडी तिन्ने कवीशर ते बठिंडे बहुत वड्डा जंक्शन है जी ते कहिंदे असी बैठे आपदी ट्रेन उड़ीक रहे हां बठिंडे जंक्शन ते गड्डी आपदी उड़ीकदे हां ते कहिंदे गड्डी दे दो डब्बियां चों मुंडे सुणन वाली गल आ दो डब्बियां चों कहिंदे इक चों बरात उतरी ते दूजे डब्बे दे विचों मकान उतरी कहिंदे उत्थों मैनूं आइडिया दिमाग विच फुरना फुरिया कि किते जोर मकाना दा किधरे हन व्याह ते मकलारे ये जिंदगी है दुनिया जी किसे घर गिद्धा पै रहे हुंदा ते किसे घर सत्थर विछिया हुंदा किते जोर मकाना दा किधरे हन व्याह ते मकलावे ओ जग जंक्शन रेलां दा गड्डी एक आवे एक जावे 1952 दी तकरीबन पार साहब दी लिखी कवीशरी मैं और गुरसेवक ने 1994 च रिकॉर्ड करवाई सी ते इह वी लोक गीत वर्गी बन गई उहदे दो बोल सी दोनों थाड़ी नजर करते हो रल संग काफले दे ते छेती बन बिस्तरा काफल कई पहली डाक चढ़े वे बाकी टिकटा लैण मुसाफर है दिगनल होया कार्ड बिसला पे आव जावे जग जंक्शन रेलांदा गड्डी इक आवे इक जावे पैरल संग काफले दे ते छेती बन बिस्तरा काफर ओए कई पहली डाक चढ़े ते बाकी टिकटा लैण मुसाफर है सिग्नल होया कार्ड बिसला पे आव जावे जग जंक्शन रेलांदा गड्डी इक आवे इक जावे कर नूने साब लिया वे कर नूने साब लिया तुरकी ती चाड़ के पल्ले ते पोते ने जन्म लिया ओए बाबा सिवियां दे वल चले हो किते जोर मकाना दा किते जोर मकाना दा किधरे हन व्याह ते मुकलावे जग जंक्शन रेलांदा गड्डी इक आवे इक जावे रफ्तार जमाने दी करियां तेज ना होवे ढिल्ली ते कई राजे बै तुर गए ओए उथे दी उथे है दिल्ली छड तुख दियां तू खड़ियां लद गए अरबा को रख पावे जग जंक्शन रेलांदा गड्डी इक आवे इक जावे लख पंछी बै उड़ गए वे लख पंछी बै उड़ गए बुढ़े बोड़ बिरछ दे उत्ते ते सन जेतू दुनिया दे ओए लख सिकंदर कबरी सुते ओए छड तुख दियां तू खड़ियां लद गए अरबा को रख पावे जग जंक्शन रेलांदा गड्डी इक आवे इक जावे चंद
ਕਿਤਣੀ ਲਾਉਣੇ ਛਾਂਦੀਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨੈਲ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਲੁਕਣੀ ਜਾਣਾ ਨੱਠਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਲ ਭੁੱਖੀ ਦੇ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਮੌਤ ਕਲਾਵੇ ਓਏ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਮੌਤ ਕਲਾਵੇ ਜੱਗ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੇਲਾ ਦਾ ਗੱਡੀ ਆਵੇ ਇੱਕ ਜਾਵੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕੀ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਮਰਨ ਇਹ ਰੈਪ ਸ਼ੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਵਰੇ ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰੰਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਕੁਝ ਠਹਿਰ ਜਿੰਦੜੀਏ ਠਹਿਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਕੈਸਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਸਟ ਫਲਾਪ ਵੀ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਵੀ ਫਲਾਪ ਹੋਈ ਹੋਊ ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਉਹ ਭਰ ਭਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸੋ ਸਾਡੀ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਭੱਜੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ 20 'ਤੇ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਿਤੇ ਧੁੱਪ ਆ ਕਿਤੇ ਛਾਂ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਹੱਸਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਠਹਿਰ ਜਿੰਦੜੀਏ ਠਹਿਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਓ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪੰਗੇ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ ਚੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਮੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਮੈਂ ਹੁਣ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ 1996 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਹੁਣ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਇਹ ਸਹੁੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ 1976 ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਕਮਾਉਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਊਂਗਾ ਸੋ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਈ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਭਜਰਾ ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਾਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਇਕੀ ਬਹੁਤ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਤੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਣ ਕਰੰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਬਸ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ ਬਸ ਸੋ ਚਾਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਢੇਰੀ ਢਾਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸੇ
कल तो यह गीत बनया सी मान साहब ने मार मराड़ा वाला तुहाडा ही मराड़ पिंड तुहाडा जिला फरीदकोट मान साहब भी देख लो 1979 दे विच साडे अज मुंडे ते गीत किसे दे लिखे दो गाने हिट हो जाण तां ऐनका ही नहीं लाउंदा रात नूं अखां तों दिन दी तां छड्डो रात नूं नहीं लाउंदे ते बाबू सिंह मान मराड़ा वाला 1979 दे विच पहला गाना रिकॉर्ड होया सी ते गाना सी सुरिंदर कौर ते हरचरण गरेवाल दा गाया आ गया बनजारा नी चढ़ा ला भाबी चूड़ियां ते 1917 दे विच ओह बाबू सिंह मान लिखदा कि कुछ ठहर जिंदड़िए ठहर अजे मैं होर बड़ा कुछ करना सो मेरे वीर बीमारियां शमारियां गरीबी अमीरी समय आउंदे रहिंदे आ बंदिआं ते मर्द वंगारे कदे ना हारे ओए हुंदे शेर भगेले मर्द वंगारे कदे ना हारे हुंदे शेर भगेले मर्दां उत्ते आउंदे रहिंदे ओए माड़े चंगे वेले आउंदे रहिंदे फिर कड़ी गल कुछ ठहर जिंदगी ठहर अजे मैं होर बड़ा कुछ कर It's
मेहरबानी, बहुत शुक्रिया थोड़ा, बहुत धन्यवाद थोड़ा। इन्ना प्यार तुसी मैनू पिंड आए नू घर आए नू दिता जी, जुग जुग जीवो। तीन रंग नहीं लभने बीबा वे हुसन जवानी दे बाप, यही कह रहे सी। मैनू सौं लगे सुना नहीं, पर मैनू लग्या भी जिवें आ कहिंदे होंगे। थोड़ा जिहा अज मल्लो मल्ली जोर मल्लो मल्ली लगता कि साडू दे साली कोले रिपोर्ट भी जानी है, किसने किसने करना फोन। अखियां मेरी तो लगी उन्हें बहुत देर हो गई यार, थोड़ी उम्र है हुण। कहिंदा अखियां दे आखे ला के वेखी ते ला ना बैठी, नहीं कि अखी ने अखियां तकी। क्या बात है, इन्ने बरीक गाने भी सुनते हो यार। मेरा एक फेवरेट गाना आपदे गीता जी, वह भी सुना दें। पहला तीन रंग सुना दिया फिर इस किवें भगते वालिया, ये मेरे नानके आ दवा जी, मामे का मुंडा साडा। मैं तो दोनों कट्ठे जाके भगते अड्डे चो माणक साहब के किस्से खरीदते रहे हैं दोनों असं, तेरे टिले तो सूरत दींदी हीर दी। तीन रंग नहीं लभने बीबा हुसन जवानी ते